मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर नंबरसाइज नाइन पॉइंट वन न क्वेश्चन इज अन पॉइंट फाइव मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ समर्टी मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम थर्टी टू सिक्सटी एज ही वर्क टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग तो यहाँ पे फिगर में समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से क्या कहा जा रहा है एक फाइव वन पॉइंट फाइव मीटर लेंथ का एक बॉय है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है ठीक है जब वो बच्चा यहाँ पे खड़ा है तो ये एक टॉल बिल्डिंग है इसका जो एंगल ऑफ साइट क्या बन रहा है भाई थर्टी डिग्री लेकिन जैसे ये बच्चा चलता हुआ पॉइंट सी पे जाता है तो यहाँ पे खड़ा होकर जब ये इस, इसका जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ साइट कितना बनेगा सिक्सटी डिग्री बात समझ में आ रही है बिल्डिंग तो आपकी फ़िक्स है वो तो चेंज होने वाली नहीं है लेकिन ये कहा गया है जो आपकी बिल्डिंग है उसकी लेंथ कितनी है थर्टी मीटर ठीक है लेकिन अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट क्या है थर्टी मीटर का है जो वो बच्चा भी इंक्लूड है उसमें अब देखो बिल्डिंग अब दीवार के पास खड़े हो तो ये थोड़ी ना है कि दीवार तो आपके फुट से लेके आपके हेड तक भी काउंट होगी ना तो वो कंप्लीट थर्टी मीटर है तो उसमें से जो बच्चे की लेंथ है वो तो आप हटाओगे जब भी आप ये एंगल ऑफ साइट निकाल रहे हो यहाँ से तो जो बनेगा आपका वो तो आपकी आंखों से बन रहा है ना तो फुट से लेके हर तक जो आपकी लेंथ है वो आप क्या करोगे डिडक्ट करोगे तो यहां पे क्या करोगे सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे या फिर लिखोगे क्या लिखोगे बच्चे जो लेंथ ऑफ द बिल्डिंग कितनी रह जाएगी लेंथ ऑफ द बिल्डिंग कितना है भाई आपको गिवन तो कितना है थर्टी मीटर है ना लेकिन यहां पे दिया गया है कि लिखोगे लेंथ ऑफ या फिर हाइट ऑफ द बॉय कितना है भाई वन पॉइंट फाइव मीटर सोल एक्टिव लेंथ बोल दोगे या ओरिजिनल बोलोगे एक्टिव लेंथ ऑफ बिल्डिंग ओव बिल्डिंग क्या हो जाएगा भाई थर्टी पॉइंट वन पॉइंट फाइव इट मींस कितना आ जाएगा आपका ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर अब जो भी एंगल हम फाइंड आउट करेंगे जो एंगल ऑफ साइड बनेगा उसमें लेंथ क्या ली जाएगी आपकी ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अब यहाँ पे सेकंड थिंग क्या है भाई आपको तो ये कंप्लीट बताना है मीन्स आपको बी डी बताना है ओके okay. अब ये बी डी जब आपको बताना है तो यहाँ पे तो टू एंगल बन रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ मैं लेट कर लेती हूँ कि लेंथ ऑफ़ बी सी हम लेट करके चल रहे हैं जो बी सी है लेट बी सी इजिकल टू कितना है एक्स एंड सी डी इजिकल टू कितना आपका वो ठीक है एक को मैंने वाई लेट कर लिया है एक को मैंने एक्स लेट कर लिया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रेंगल ए डी बी ए डी बी ए डी बी क्या हो जाएगा भाई ए डी अपॉन अभी ये थर्टी नहीं देखना अभी ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर तो क्या हो जाएगा भाई ए डी अपॉन बी डी ए डी अपॉन बी डी इजिकल टू क्या होगा दिस अपॉन दिस पी बाई बी तो क्या होता आपका टेन टेन किस पे देख रहे हैं देखो मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रही हूँ तो थर्टी पे जाएगा टेन थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा भाई ए डी की वैल्यू क्या है आपकी ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन बी डी क्या है एक्स प्लस वाई कंप्लीट बी डी क्या बनेगा आपका बी सी प्लस बी डी जो आपका बी डी बनेगा वो क्या बनेगा बी सी प्लस सी डी ठीक है तो इसको बी सी क्या है एक्स सी डी क्या है वाई इट मीन्स क्या लिखूंगी मैं एक्स प्लस वाई टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन रूट थ्री ठीक है तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इजिकल टू एक्स प्लस वाई मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करके चल रही हूँ सेकेंड क्या आ जाएगा भाई इन ट्राइंगल अब बात करेंगे इस वाले की इस ट्राइंगल की बात करेंगे ए डी सी राइट एंगल ट्रैंगल ए डी सी क्या हो जाएगा भाई ए डी अपॉन डी सी इजिकल टू क्या बनेगा अगेन टेन बनेगा बट टेन क्या बनेगा सिक्सटी ओके ए डी क्या है भाई फिर से आपका ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन डी सी क्या है वाई इजिकल टू टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री ठीक है जब मैं इसको फर्दर सोल्व करती हूँ तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट रूट थ्री इजिकल टू वाई तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ वाई की वैल्यू क्या मैं इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकती बिल्कुल कर सकती हूँ तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे भाई पुटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री इजिकल टू एक्स प्लस वाई ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री एक्स प्लस वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री ठीक है फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा इक्वल टू क्या आएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री एक मिनट भाई ये यहाँ पे जाएगा तो ये कहाँ पे आएगा ये डिनोमिनेटर में आएगा क्या छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में ठीक है तो इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव बाय रूट थ्री हाँ जी अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे एलसीएम लेंगे रूट थ्री की रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव पहले तो आप चाहे तो ऐसे लिख लिए रूट थ्री हमारा एलसीएम आ गया वन से रूट थ्री की करेंगे तो यहाँ पे रूट थ्री है रूट थ्री की रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आएगा माइनस रूट थ्री से रूट थ्री कैंसल आउट हुआ तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव फिजिकल टू क्या आ गया एक्स राइट सो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई मैं ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव को क्या करती हूँ कॉमन लेती हूँ या तो आप ये कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई करिए ठीक है एक मेथड तो ये है कि आप इसकी मल्टीप्लाई करिए देन इसमें से लेस करिए सेकेंड क्या है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे रहा तीन यहाँ पे रहा माइनस वन अपॉन रूट थ्री अब रूट थ्री तो डिनोमिनेटर में रखते नहीं है तो साथ साथ क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देती हूँ ताकि इजी हो जाएगा देन क्या आ जाएगा भाई थ्री माइनस वन टू टू फाइव जा जाएगा भाई ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव इंटू टू और यहाँ से इंटू रूट थ्री अपॉन क्या आ जाएगा रूट थ्री की रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री पहले इसको थ्री से कैंसिल आउट भी कर सकते हो थ्री वन जा थ्री थ्री सेवन जा थ्री सेवन जा थ्री नाइन जा पे ले जाएंगे थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन वन बचा थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो क्या आ गया भैया आपके पास नाइन पॉइंट फाइव इंटू टू इंटू रूट थ्री टू फाइव जा टेन टू नाइन जा एटीन और वन नाइनटीन रूट थ्री अब देखो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है पे पॉइंट में है तो वैल्यू क्या आ जाएगी नाइनटीन रूट थ्री किसकी वैल्यू आ गई है एक्स की यही आपको फाइंड आउट करना था आपको कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करनी थी उसने आपको बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस उसने कवर करी है ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई थी कंप्लीट डिस्टेंस नहीं उसने कहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज आया है आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ठीक है यहां पे क्वेश्चन में दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन में क्या दिया था द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम थर्टी टू सिक्सटी एज हीस टूअर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूअर्ड द बिल्डिंग आपको वो डिस्टेंस बतानी है जो बिल्डिंग की तरफ वो गया है कंप्लीट बिल्डिंग तक नहीं बतानी जब वो इस पॉइंट से लेके यहां तक गया है जब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है जहाँ जाके ठीक है सो so, ये आपको बताना था हमने फाइंड आउट कर दी है आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टिल दिन ठीक है बाय